वेलकम टू सुपर मूवी एक्सप्लेन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गॉडज़िला वर्सस कॉन्ग मूवी के बारे में। ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। ये मूवी मॉन्स्टर्स की फोर्थ फिल्म है। इसके पहले तीन मूवी आ चुकी है, गॉडज़िला 2014, कॉन्ग द स्कल आइलैंड और गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एडम विंगार्ट ने और इस मूवी को IMDb पे 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिल चुका है। ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। मूवी स्टार्ट होती है स्काई आइलैंड से, जहाँ कॉन्ग को मोनार्क की टीम ने कैप्चर करके रखा होता है और वहाँ जिया नाम की बच्ची होती है जो कॉन्ग को समझ सकती है। एक दिन अचानक कॉन्ग को पता चलता है कि वो अभी जिस स्कल आइलैंड को घर समझकर रहता होता है वो फेक स्कल आइलैंड है। इसलिए कॉन्ग गुस्से में आकर जमीन से एक बड़ा पेड़ उखाड़कर आसमान की ओर फेंकता है और पेड़ आसमान की ओर जाते जाते अचानक एक बड़ी स्क्रीन से टकरा जाता है और कॉन्ग को यकीन हो जाता है कि यह फेक स्कल आइलैंड है और वह गुस्से में ज़ोर से चिल्लाता है। दरअसल मोनार्क की टीम ने कॉन्ग को गॉडज़िला से छिपाकर सुरक्षित जगह पर रखा होता है, क्योंकि कॉन्ग बाहर निकलेगा तो गॉडज़िला उसे मार डालेगा, क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी बहुत ही पुरानी है। मूवी आगे बढ़ती है, फिर हमें बर्नी को दिखाया जाता है जो एपेक्स साइबरनेटिक्स के बारे में कुछ जानता होता है। उसे एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी में कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए वह ऐसी हर बात को रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर देता है और वो एपेक्स के बारे में और ज़्यादा पता लगाने के लिए बर्नी एपेक्स कंपनी में चला जाता है। बर्नी एपेक्स के कंप्यूटर में छानबीन कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि एपेक्स हांगकांग में कुछ भेज रहे हैं और सब लेवल 33 क्या है यह बर्नी को पता नहीं चल पाता। और वहीं पे एपेक्स साइबरनेटिक्स पर गॉडज़िला अचानक हमला कर देता है और गॉडज़िला पूरे एपेक्स फैसिलिटी को तहस नहस कर देता है अपनी एटॉमिक ब्रीथ को यूज़ करके। बर्नी भी वहीं पर होता है और गॉडज़िला के हमले से वह बच जाता है और बर्नी को यकीन हो जाता है कि एपेक्स गॉडज़िला को ख़त्म करने के लिए कुछ बना रहे हैं, पर वो क्या चीज़ें उसे पता नहीं चलती। फिर मेडिसन रसल को दिखाया जाता है जो बर्नी के ब्रॉडकास्ट को रेगुलर सुनती रहती है। मेडिसन अपना डेड मार्क रसेल को बताती है कि गॉडज़िला किसी चीज़ के कारण भड़क गया है, इसलिए वो सिर्फ एपेक्स फैसिलिटी को ही नुकसान पहुंचा रहा है, पर मेडिसन के डेड मानने को तैयार नहीं होते। फिर मूवी में रेन सेरिजावा और वॉल्टर सिमोन्स को दिखाया जाता है जो एपेक्स साइबरनेटिक्स के हेड होते हैं। वह डॉक्टर नेथन के घर मदद मांगने जाते हैं क्योंकि उन्हें गॉडज़िला को ख़त्म करने के लिए ऐसा पावर चाहिए जो होलो अर्थ यानी कि ज़मीन के नीचे की दुनिया में मौजूद है और सिर्फ डॉक्टर नेथन ही उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर नेथन ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उन्हें होलो अर्थ में ले जा सकता है। इसलिए डॉक्टर नेथन मदद के लिए हाँ कर देते हैं। वह व्यक्ति डॉक्टर एलन एंड्रयू होती है जो डॉक्टर नेथन की अच्छी दोस्त होती है। डॉक्टर एलन एंड्रयू कॉन्ग के कंटेनमेंट पर होती है जो कॉन्ग पर नज़र रखे हुए होती है। डॉक्टर नेथन वहाँ पर जाते हैं और डॉक्टर एलन को समझाते हैं कि उन्हें कॉन्ग की ज़रूरत है होलो अर्थ में जाने के लिए, क्योंकि सिर्फ कॉन्ग ही उनके होलो अर्थ में जाने के लिए मदद कर सकता है। फिर डॉक्टर एलन बात के लिए मान जाती है। फिर डॉक्टर एलन जिया को भी अपने साथ ले जाती है क्योंकि जिया ही कॉन्ग को होलो अर्थ तक ले जाने के लिए समझा सकती है। फिर डॉक्टर एलन पूरी टीम के साथ कॉन्ग को एक बड़ी सी कार्गो शिप पर चेन से बांधकर समुद्र के रास्ते निकल पड़ती है। कॉन्ग को उन्होंने बेहोश करके रखा होता है। रास्ते में कॉन्ग को होश आ जाता है, पर जिया उस शिप पर होने के कारण कॉन्ग किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता क्योंकि कॉन्ग भी जिया के साथ अटैच होता है। फिर वहाँ पर माया सिमोन्स जो वॉल्टर सिमोन्स की बेटी होती है वो भी वहाँ पर कॉन्ग पर नज़र रखने आ जाती है। सफ़र करते करते रात हो जाती है और बारिश गिरने लगती है। बारिश गिरने के कारण कॉन्ग भीग जाता है और वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वह चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वहाँ जिया आ जाती है और जिया कॉन्ग को शांत कर देती है। तभी डॉक्टर एलन को पता चलता है कि कॉन्ग इशारों में बात कर सकता है और इस बात से वह बहुत ही खुश हो जाती है। मूवी आगे बढ़ती है, फिर हमें मेडिसन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त जोश को बुला लेती है ताकि दोनों मिलकर पता लगा सके कि गॉडज़िला आखिर एपेक्स पर हमला क्यों कर रहा है। मेडिसन और जोश दोनों बर्नी के घर जाते हैं पता लगाने के लिए कि आखिर गॉडज़िला क्यों भड़क गया है। बर्नी मेडिसन को पेन ड्राइव देता है जिसमें एपेक्स का डेटा भरा हुआ होता है। बर्नी मेडिसन और जोश को बताता है कि एपेक्स हांगकांग में बहुत सारा बड़ा सामान भेज रहा है, कोई ना कोई गॉडज़िला के खिलाफ साजिश रच रहा है। मूवी आगे बढ़ती है, कॉन्ग को तस्मान सी के रास्ते से ले जाया जाता है। डॉक्टर एलन ने उन सभी रास्तों को अवॉइड किया है जहाँ से गॉडज़िला वाकिफ है। वो उन सभी रास्तों को अवॉइड कर रही है जहाँ से गॉडज़िला गुजरता रहता है। डॉक्टर एलन और डॉक्टर नेथन शिप पर कॉन्ग को कंट्रोल करने के बारे में बात कर रहे होते हैं और डॉक्टर एलन कहती है कि कॉन्ग को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ जिया की बात ही मानेगा। फिर हमें जिया को दिखाया जाता है जो कॉन्ग की डॉल के साथ खेल रही होती है।
तभी अचानक जिया को गॉडज़िला की सेंस आ जाती है और वो घबराकर डॉक्टर एलन को बताने दौड़ती है और पूरी नौसेना को गॉडज़िला के बारे में पता चल जाता है कि गॉडज़िला कॉन्ग से लड़ने के लिए आ रहा है। गॉडज़िला पूरे गुस्से में सभी शिप्स को तोड़कर कॉन्ग से लड़ने के लिए आ रहा होता है। कॉन्ग को भी पता चल जाता है कि गॉडज़िला उससे लड़ने के लिए आ रहा है और कॉन्ग भी तैयार हो जाता है। सभी नौसेना गॉडज़िला पर हमला कर देती है। पूरी सेना गॉडज़िला को मारने की कोशिश करती है पर गॉडज़िला को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ भी असर नहीं होता। कॉन्ग जंजीरों को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है पर वो तोड़ नहीं पाता और गॉडज़िला उसके शिप के बिल्कुल ही करीब पहुंच जाता है। तभी कॉन्ग गॉडज़िला पर रोर करता है और गॉडज़िला जवाबी हमले पर कॉन्ग की पूरी शिप को उल्टा कर देता है। कॉन्ग जंजीरों से बंधा होने के कारण पानी में डूबने लगता है। तभी डॉक्टर एलन और नेथन कॉन्ग की जंजीरों को खोल देते हैं, उसे आज़ाद कर देते हैं। तभी गॉडज़िला कॉन्ग पर पानी के अंदर हमला कर देता है पर कॉन्ग गॉडज़िला को पानी के अंदर अच्छी टक्कर देता है और कॉन्ग पूरी शिप को सीधा करके उस शिप पर चढ़ जाता है और कॉन्ग अपने गले में कॉलर को तोड़कर गॉडज़िला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कॉन्ग गॉडज़िला से लड़ने के लिए सीधा एयरक्राफ्ट करियर पर जंप कर देता है। फिर गॉडज़िला भी उस एयरक्राफ्ट करियर पर चढ़ जाता है कॉन्ग से लड़ने के लिए। दोनों में अच्छी टक्कर होती है। कॉन्ग जैसे तैसे गॉडज़िला को पानी के अंदर फेंक देता है धक्का मारकर। फिर गॉडज़िला पानी के अंदर से कॉन्ग को मारने के लिए एटॉमिक ब्रिज छोड़ देता है पर कॉन्ग उस एटॉमिक ब्रिज से बच जाता है और पानी के अंदर कूद जाता है। गॉडज़िला पानी के अंदर रहने वाला टाइटन है इसलिए कॉन्ग पर वो भारी पड़ता है। कॉन्ग को वो अपनी टेल में लपेटकर पानी के अंदर ले जाता है। कॉन्ग बहुत कोशिश करता है उसकी टेल से छूटने के लिए पर कॉन्ग छूट नहीं पाता। आखिर में नौसेना उसकी मदद करती है। नौसेना पानी के अंदर बॉम्ब फेंकती है ताकि गॉडज़िला कॉन्ग से दूर हो जाए और कॉन्ग को पानी के बाहर आने का मौका मिले। कॉन्ग जैसे तैसे शिप पर फिर से चढ़ जाता है और गॉडज़िला कॉन्ग की हालत बिल्कुल ही ख़राब कर देता है। गॉडज़िला फिर से कॉन्ग पर हमला करने के लिए आता है क्योंकि जंग किसी एक टाइटन के झुकने पर ही ख़त्म होगी। इसलिए डॉक्टर नेथन सभी नौसेना को बोलता है कि अपने शिप के सभी इंजन को बंद कर दो। गॉडज़िला को ऐसा लगे कि हमने उससे हार मान ली है इसलिए वो सभी इंजन को बंद कर देते हैं और कॉन्ग भी शांत पड़ा रहता है जिया की सुरक्षा के लिए और उनका यह प्लान काम कर जाता है। गॉडज़िला को लगता है कि सब लोग मर गए इसलिए गॉडज़िला वहाँ से चला जाता है। अब कॉन्ग को पानी के रास्ते ले जा नहीं सकते क्योंकि गॉडज़िला वहाँ फिर से आ जाएगा। मूवी आगे बढ़ती है। मेडिसन की टीम एपेक्स के अंडरग्राउंड बंकर में चली जाती है बर्नी और जोस के साथ। वहाँ पर अचानक कोई एपेक्स का सिक्योरिटी आने वाला होता है कि वह छिपने के लिए एक एपेक्स व्हीकल में चले जाते हैं। उस व्हीकल में उन्हें स्कल क्रॉलर के एक्स दिखते हैं। एपेक्स स्कल क्रॉलर के एक्स को हांगकॉन्ग में ले जा रही होती है। अब कॉन्ग को पानी के रास्ते ले जा नहीं सकते क्योंकि गॉडज़िला वहाँ फिर से आ जाएगा। इसलिए डॉक्टर नेथन हेलीकॉप्टर की मदद से कॉन्ग को एंटार्क्टिका ले जाते हैं क्योंकि एंटार्क्टिका में हॉलो अर्थ जाने का रास्ता है। फिर कॉन्ग को बेहोश करके एंटार्क्टिका हेलीकॉप्टर की मदद से ले जाया जाता है। एंटार्क्टिका पहुँचते ही कॉन्ग को होश आ जाता है। फिर डॉक्टर एलन और नेथन जिया को समझाते हुए कहते हैं कि कॉन्ग से कहो कि उस रास्ते से हॉलो अर्थ में जा सकता है। फिर जिया कॉन्ग से कहती है कि उस रास्ते से हॉलो अर्थ में जाया जा सकता है पर कॉन्ग किसी की बात नहीं मानता। फिर डॉक्टर नेथन जिया से कहते हैं कि कॉन्ग से कहो कि उसकी फैमिली भी वहाँ पर रहती है। फिर जिया कॉन्ग से कहती है कि तुम्हारी फैमिली भी वहाँ रहती है। यह बात सुनकर कॉन्ग झट से उस रास्ते से हॉलो अर्थ जाने के लिए निकल पड़ता है और डॉक्टर एलन और नेथन भी कॉन्ग के पीछे जाने लगती है। हॉलो अर्थ में जाने के लिए सारी टीम एचईवी ह्यू व्हीकल की मदद से जाते हैं। कॉन्ग और पूरी टीम हॉलो अर्थ में पहुंच जाती है और कॉन्ग अपने परिवार को ढूंढने के लिए हॉलो अर्थ में निकल पड़ता है और उसके पीछे पूरी टीम भी होती है। तभी उन पर वॉर्बेट नाम के टाइटन्स हमला बोल देते हैं। फिर कॉन्ग उन सभी टाइटन को मारकर उन सबकी मदद कर लेता है। मूवी आगे बढ़ती है। मेडिसन और उसके दोस्त उस व्हीकल में बैठे बैठे हांगकॉन्ग पहुँच जाते हैं। वो लोग एक बड़े से हॉल में पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें मेका गॉडज़िला दिखता है। एपेक्स वालों ने गॉडज़िला को मारने के लिए मेका गॉडज़िला बनाया होता है जिसे देखकर मेडिसन और उसके दोस्त चौंक जाते हैं। फिर वॉल्टर सिमोन्स मेका गॉडज़िला को स्टार्ट करते हैं। मेका गॉडज़िला का पूरा कंट्रोल रेन सेरिज़ावा के पास होता है। मेका गॉडज़िला का पूरा कंट्रोल किंग गिदोरा के सर के अंदर होता है। गिदोरा का सर मेका गॉडज़िला से कनेक्ट होता है। वॉल्टर सिमोन्स मेका गॉडज़िला की ताकत देखने के लिए बड़े स्कल क्रॉलर को मेका गॉडज़िला के सामने खड़ा कर देते हैं जिसे मेका गॉडज़िला बड़ी आसानी से मार देता है। वो अपनी एटॉमिक ब्रिज को यूज करके स्कल क्रॉलर को दो हिस्सों में बांट देता है पर उनका मेका गॉडज़िला 40% पावर के आगे पहुंच नहीं पाता
मेका गॉडजिला को 100% पावर देने के लिए वॉल्टर सिमोन्स ने अपनी बेटी माया सिमोन्स को हॉलो अर्थ में भेजा होता है। आखिर में कॉन्ग अपने घर पर पहुंच ही जाता है और ऊर्जा स्रोत भी उसके घर के अंदर ही होता है जिसे गॉडजिला को ख़त्म किया जा सकता है। फिर कॉन्ग को अपने एंसेस्टर का बैटल एक्स दिखता है जिसे गॉडजिला को मारा जा सकता है। कॉन्ग उसे लेकर बहुत ही खुश हो जाता है और गॉडजिला को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर माया सिमोन्स वहाँ के ऊर्जा स्रोत में से कुछ सैंपल ले लेती अपने रोबोटिक व्हीकल के अंदर। माया सिमोन्स इसमें विलन का रोल करती है। डॉक्टर एलन उससे ऐसा करने के लिए ना कहती है पर माया सिमोन्स किसी की बात नहीं मानती। तभी कॉन्ग उस पर ज़ोर से चिल्लाता है और कॉन्ग का पूरा घर हिलने लगता है और वहाँ के जीव सभी लोग पर हमला कर देते हैं। माया सिमोन्स ह्यूज में बैठकर वहाँ से भागने की तैयारी कर रही होती है कि कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसकी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। मेका गॉडजिला के स्टार्ट होने से गॉडजिला फिर से भड़क जाता है। गॉडजिला इसलिए भड़कता है क्योंकि उसे किंग गिदोरा की सेंस मेका गॉडजिला से आती है, इसलिए वह फिर से हमला करने के लिए शहर पहुंचने जाता है। गॉडजिला एपेक्स फैसिलिटी को तबाह करने के लिए हांगकांग पहुंच जाता है। तभी गॉडजिला को हांगकांग से हॉलो अर्थ से कॉन्ग की सेंस आती है और वह अपनी पूरी एटॉमिक ब्रीथ हांगकांग की ज़मीन के अंदर मार देता है और हांगकांग से हॉलो अर्थ तक एक बड़ा छेद कर देता है और कॉन्ग को लड़ने के लिए ऊपर बुलाता है। कॉन्ग भी अपनी बैटल एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए चला जाता है। माया सिमोन्स ने अपने रोबोटिक व्हीकल में हॉलो अर्थ से ऊर्जा स्रोत के सैंपल को अपलोड करके मेका गॉडजिला को 100% पावर दे चुकी होती है। कॉन्ग अपनी बैटल एक्स को लेकर हांगकांग पहुंच जाता है और गॉडजिला को लड़ने के लिए ललकारता है। गॉडजिला भी कॉन्ग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर जोर से रोर करते हैं और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए टूट पड़ते हैं। ज़मीन पर कॉन्ग गॉडजिला को अच्छी टक्कर देता है। कॉन्ग गॉडजिला पर बहुत पंच बरसाता है और अपनी बैटल एक्स से कॉन्ग गॉडजिला के मुंह पर हमला कर देता है। हांगकांग की बैटल में पहले राउंड का विजेता कॉन्ग रहता है। नेथन, एलन और जिया भी हांगकांग पहुंच जाती है। फिर मेडिसन और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जिनको एपेक्स के सोल्जर ने पकड़ लिया होता है। सोल्जर उनको वॉल्टर सिमोन्स के सामने ले जाते हैं। फिर हमें गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई दिखाई दी जाती है। बैटल एक्स लगने के बाद गॉडजिला कॉन्ग को हराने के लिए अपने हाथ और पैर पर चलता है। गॉडजिला को कॉन्ग एक बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़कर देख रहा होता है और वहां से कूदकर कॉन्ग गॉडजिला पर हमला कर देता है। इस बार गॉडजिला कॉन्ग को अच्छी टक्कर देता है। गॉडजिला अपने चारों पैरों पर चलकर कॉन्ग को मारता है और अपने नाखून और पंजों से कॉन्ग को बहुत ही घायल कर देता है। गॉडजिला अपना पैर कॉन्ग के चेस्ट पर रखकर कॉन्ग को हार मानने के लिए मजबूर करता है और कॉन्ग घायल होने की वजह से हार मान लेता है। फिर गॉडजिला वहां से चला जाता है। कॉन्ग इस लड़ाई से बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और मरने की हालत में पहुंच जाता है। फिर हमें वॉल्टर सिमोन्स को दिखाया जाता है जो मेका गॉडजिला को हॉलो अर्थ के ऊर्जा स्रोत से स्टार्ट करता है, पर गिदोरा का सर मेका गॉडजिला को अपने कंट्रोल में ले लेता है और रेन सेरिजावा को इचली का झटका देकर मार डालता है। फिर वॉल्टर सिमोन्स को भी मेका गॉडजिला मार डालता है। मेका गॉडजिला पूरा गिदोरा के कंट्रोल में हो जाता है। मेका गॉडजिला गॉडजिला को मारने के लिए अपने अंडरग्राउंड बंकर से बाहर निकल आता है और पूरे हांगकांग शहर में हमला कर देता है। फिर गॉडजिला उससे लड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। दोनों में घमासान युद्ध होता है, पर मेका गॉडजिला धीरे धीरे गॉडजिला पर भारी पड़ने लगता है क्योंकि गॉडजिला पूरी रात भर कॉन्ग से लड़कर थक चुका होता है। मेका गॉडजिला गॉडजिला को बहुत ही ज़्यादा घायल कर देता है। मेडिसन और उसके दोस्त मेका गॉडजिला को रोकने की कोशिश करते हैं। जोस मेका गॉडजिला का कंट्रोल हैक करने की कोशिश करता है पर वो सिस्टम का पासवर्ड नहीं खोज पाता। फिर हमें जिया को दिखाया जाता है जो कॉन्ग के दिल की धड़कन को धीमा होता हुआ महसूस कर सकती थी। फिर डॉक्टर नेथन कॉन्ग की मदद करने के लिए या उसे होश में लाने के लिए ह्यूज में बैठकर कॉन्ग की चेस्ट पर ह्यूज को ब्लास्ट करके कॉन्ग को एक बड़ा सा झटका देते हैं ताकि कॉन्ग होश में आ जाए, और कॉन्ग होश में भी आ जाता है। फिर जिया कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है बल्कि मेका गॉडजिला दुश्मन है। गॉडजिला की मदद करो। गॉडजिला से लड़ाई के दौरान कॉन्ग का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। कॉन्ग शोल्डर को बिल्डिंग से टकराकर सीधा कर लेता है। मेका गॉडजिला गॉडजिला का मुंह पकड़कर उसके मुंह में एटॉमिक ब्रीथ मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग मेका गॉडजिला को रोक लेता है और गॉडजिला को बचा लेता है, और गॉडजिला और कॉन्ग दोनों टीम अप करके मेका गॉडजिला को हराने में लग जाते हैं। तीनों में घमासान युद्ध होता है। कॉन्ग अपनी बैटल एक्स से मेका गॉडजिला को मारने की कोशिश करता है पर मेका गॉडजिला को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेका गॉडजिला कॉन्ग को मारने वाला होता है कि जोस कंट्रोल सिस्टम पर बर्ने का ब्लीच ढोलकर सिस्टम खराब कर देता है और मेका गॉडजिला का कंट्रोल खराब हो जाता है।
मौका मिलते ही गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रिज से कॉन्ग की बैटल एक्स को सुपरचार्ज कर देता है और कॉन्ग अपनी सुपरचार्ज बैटल एक्स से मेका गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मेका गॉडजिला को हराने के बाद गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। कॉन्ग अपने हॉलो अर्थ के घर पर चला जाता है और गॉडजिला समुद्र में वापस चला जाता है और यहीं पे मूवी का एंड होता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मॉन्स्टरवर्स की मूवी है, आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हो। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।